अलैकुम जी, अभी मैं बैडमिंटन खेल के आया हूँ और मुझे राशिद और माजिद दोनों की कॉल आई हुई है कि उनके घर में फंक्शन है, तो उन्होंने बुलाया, तो कल आपके भाई ने पेशावर जाना है जी। तो आपको मैंने कल बताया था कि आज आपके भाई ने पेशावर जाना है, अभी पेशावर जाने की वो तैयारी चल रही है, अभी जाएंगे पेशावर। लेकिन अभी मैं गया हुआ था जी, थोड़े बाल बड़े थे वो काट लिए, दाढ़ी वो थोड़ी बराबर कर दी, अब इसके बाद थोड़े तैयार होंगे। और एक काम, जाने से पहले एक काम है, और काम ये है कि मेरी जो वालदा मुख्तरमा है उनकी एक फिजियोथेरेपी का एक सेशन है, तो वो लेंगे, उसके बाद पेशावर जाएंगे, तो ये काम करना है जी। तो आपका भाई जो है ना वो रेडी हो चुका है और अभी निकलेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि कैमरा जो है ना वो थोड़ा नीचे है, अब बताता हूँ कि रेडी हो चुका हूँ और चलते हैं जी, शुरू करते हैं जी अपना सफ़र मुबारक। पहले ये फिजियोथेरेपी का सेशन हो जाए, उसके बाद भाई जो है ना वो पहुँच चुका है पहले से ही, लेकिन बात ये बतानी थी कि अभी बज रहे रात के जी कितने बजे, टाइम है 2:30 बज रहे, और आपका भाई अपने भाई समेत जागा हुआ है, बस ये बताना था। अच्छा जी, ए टी एम जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता किधर जा रहे हैं, इसके साथ सिर्फ बैठा हुआ हूँ, ये जाने इसका काम जाने। And love makes the seesaws go up and down. जी तो आपका भाई कर गया था पेशावर। मैं चाहता तो ये वीडियो जो है मैं एक में पेशावर वाली चीज़ में भी मैं इसे पूरा कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया, उसकी वजह है, वो वजह मैं आपको वापस आगे बताऊंगा। अभी जो है ना वो शाहकार जो है ना वो आए हुए, उसका थोड़ा डेंटिस्ट के पास एक अपॉइंटमेंट है, तो कॉल की कि भाई अंसार भाई घर पर हो, चलो दोनों चलते। तो मैंने कहा कि जी ताबीदार आपका भाई, तो वो अभी आए हुए हैं और चलते डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट का वो ये काम कर ले, उसके बाद आके आपसे थोड़ी बातें करनी है, तो लेट्स गो, पहले ये काम कर ले। सागर साहब, हेलो जी। शाहकार भाई, शाहकार भाई पहले से आराम है। भाई स्नैपचैट यूज हो रहा है भाई, तू मुझे ब्लॉक कर रहे भाई। ठीक है जी भाई, तो अगर मैं चाहता तो 192 किलोमीटर का फासला तय करके तिमरगढ़ से पेशावर जाके फिर वहाँ से वापस आके 2 दिन गुजार के उसी में मैं 7 मिनट का वीडियो बना सकता था, लेकिन आपके भाई ने सिर्फ पेशावर से वो 7 मिनट वाली वीडियो नहीं बनाई, क्यों? तो इसकी वजह बताता हूँ।
कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे कि हर किसी का अपने अपने एक्सक्यूज होता है, तो मैंने लोगों से कहा कि भाई अपने क्लासमेट से कि भाई एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट लाइफ में तुम अगर कुछ कर सकते हो तो वो यूट्यूब है, स्किल्स है वो तुम कर सकते हो तो वो कर लो, अगर वो तुम नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्लासेस मैंने खुद गया हुआ पूछताछ की है तो 70,000-80,000, तो स्टूडेंट लाइफ में आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपने पैसों से कुछ कर सकते हैं और बेहतरीन कुछ कर सकते हो तो यूट्यूब है, तो आप क्यों नहीं बना रहे? तो वो कह रहे हैं कि भाई यूट्यूब पे हम क्या करें, तो मैंने कहा कि भाई व्लॉगिंग, उसने कहा कि कैसी व्लॉगिंग कैसे, तो मैंने कहा कि व्लॉगिंग एक डायरी है आपकी, आप जिस तरह चाहे आप बना लें, आप मुझे मेरी व्लॉग जिस तरह पसंद है मैं उसी तरह बनाता हूँ, मैं जब बोर भी होता हूँ तो मैं अपनी वीडियोज देखता हूँ, ये बात बता दो। तो मैंने कहा कि आप ये तो बना सकते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई व्लॉगिंग के लिए ट्रेवल ज़रूरी है, ये बात उन्होंने कही मुझसे। तो मैंने कहा कि आपको ये किसने कहा कि भाई ट्रेवल ये ज़रूरी चीज़ है? सिर्फ इसी वजह से मैंने ये व्लॉग इस पेशावर का जो मैंने एक पूरा सफ़र तय किया इसका मैंने सिर्फ 1.5 मिनट का वो मैंने एक सेशन बनाया, बाकी जो है ना आप देख लेते हो, फिर वो कुछ एक काम, कुछ दूसरा काम, कुछ तीसरा काम, वो काम ऐसे काम है जो रेगुलर काम है, वो आपके भी है मेरे भी है, बस सिर्फ फ़र्क ये है आपने रिकॉर्ड नहीं की, मैंने की, मैंने कुछ स्टेप लिया अपने फ्यूचर के लिए, कुछ मैंने एक स्टेप लिया आपने नहीं। और ट्रैवलिंग जो है ना ये एक बड़े वो गलत कंसेप्ट है कुछ लोगों की, कुछ की बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि ट्रैवल इज़ कंपल्सरी थिंग फॉर अ व्लॉग, तो नहीं ये यार, ये गेम्स जो है ना वो ट्रैवलिंग में या घर बैठने में नहीं है, वो आप में, अगर आप में गेम्स हैं तो आपको मैं ये चैलेंज देता हूँ कि भाई आप घर में बैठ के भी व्लॉग बना सकते हैं, लेकिन अगर आप में गेम्स नहीं है तो फिर आप ट्रैवलिंग करके भी व्लॉग नहीं बना सकते। तो ये बात थी, तो ये बात बतानी थी कि भाई ट्रैवल इज नॉट कंपल्सरी थिंग फॉर अ व्लॉग, गेम्स आप में होने चाहिए ट्रैवलिंग में नहीं, बस ये बात बतानी थी। आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वस्सलाम।